हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक। यस, आज है 23 दिसंबर, जो कि धृति का बर्थडे है। तो आप सभी भी धृति को कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा विश करना और उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देना। यहाँ पे जो है वो अच्छी वाली गुड मॉर्निंग हो चुकी है। आज थोड़ी ठंड जो है वो कम है तो अच्छा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, वरना तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। तो चलिए रूटीन शुरू करते, बने रहे मेरे साथ। तो चलिए फटाफट से कर लेते भगवान की पूजा। श्री कृष्ण, तो चलिए कर लेते हैं नाश्ता। आज तो मेरा फेवरेट नाश्ता है भाकरी, खट्टा मीठा अचार और अदरक वाला दूध। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 10:30 और मेरा जो है वो किचन का काम है जो वो ख़त्म हो गया है। मैंने बनाया है गोभी आलू की सब्जी, दाल फ्राई और रोटी। यहाँ पे सब्जी रेडी, यहाँ पे दाल भी रेडी है, वो हो रही है अभी, और राइस हो चुका है और रोटी भी हो चुकी है। चलिए फटाफट से जो काम है वो फिनिश कर देते हैं, बहुत सारा लेट हो चुका है। रसोई तो हो गई है बट एक्स्ट्रा काम बहुत है, वो करने हैं आज क्योंकि कृति का बर्थडे है। तो फटाफट से वो कर लेते हैं, फटाफट से जो सोफ़ा के कवर है वो भी चेंज कर देते हैं। आइए मिलते हैं बाद में। तो चलिए फटाफट से कवर चेंज कर देते हैं। मस्त हो चुके हैं सोफे के कवर चेंज, हो चुका है मस्त रेडी एकदम। यहाँ पे आएगा धृति के बर्थडे का डेकोरेशन। तो चलिए कर लेते हैं फटाक से ये रूम भी क्लीन। और यहाँ पे जो है वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो ड्राई नाश्ते थे वो सब कुछ मिक्स हो गया था ये कॉर्नर पर। तो मैंने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और नाश्ता जो है वो सब कुछ अलग अलग कर दिया। और वहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान था वो भी मैंने निकाल दिया और पूछा लगा कि मैंने एकदम क्लीन कर दिया है अभी। जो एक्स्ट्रा डब्बे थे नाश्ते के जिसकी ज़रूरत नहीं थी वो मैंने बाहर वॉशिंग के लिए डाल दिए थे। चलिए तो ये रूम भी हो गया है क्लीन अच्छी तरह से। फटाफट से अभी ये रूम की बारी है, ये रूम भी फटाफट से क्लीन कर देते हैं। तू भी बीच बीच में परेशान करती रहती है। हाँ, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? देख मम्मा ने न्यू बेडशीट लगाई, देख न्यू बेडशीट। धृति बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसको आ रही थी नींद, तो वो सो गई है। तो फटाफट से ये जो किचन है वो भी फटाफट से क्लीन कर देते हैं और फिर चलते हैं दूसरा काम करने के लिए। और यहाँ पे जो है किचन में वो मैंने जो खाना था वो तो बहुत पहले बना दिया था, गोभी आलू की सब्जी, दाल राइस और रोटी। बट कुछ एक्स्ट्रा मैशअप था किचन में तो वो मैं यहाँ पे क्लीन कर रही थी अच्छी तरह से, क्योंकि फिर धृति उठ जाती तो मुझे टाइम नहीं मिलता क्योंकि उसके पीछे मुझे पूरा दिन फिर रहना पड़ता है। तो वो सोती है तभी मेरे से काम हो पाता है। और उसके बाद जो धृति का हम गाय का दूध लेते हैं वो भी मैंने यहाँ पे उबालने के लिए रख दिया था। और बाद में पूरा जो किचन है वो मैंने क्लीन करके रख दिया था। और यहाँ पे हो गया है किचन क्लीन। चलो आइए फटाफट से अभी कपड़े सुखा देते हैं। आज तो मशीन 3 बार करा है तो 3री बार के जो कपड़े जो है वो सुखाने बाकी है, तो वो फटाफट से मैं सुखा देती हूँ। पता नहीं अभी मशीन चलेगा या नहीं चलेगा, 3री बार हुआ है मशीन आज तो। चलिए तो मिलते हैं। तो चलिए फाइनली कपड़े जो है वो सूख गए, तो फटाफट से अभी जाते हैं ऊपर। और ऊपर न्यू बेडशीट जो है वो मुझे बेड के ऊपर बिछानी है तो वो बिछा के आते हैं। चलिए तो अभी यहाँ की जो बेडशीट है वो भी चेंज कर देते हैं फटाफट से। रेड ये जो बेड है, तो ये जो बेड है वो भी रेडी हो गया है। यहाँ पे भी बहुत सारा मैशअप है तो चलो आके क्लीन करते हैं फटाफट। फाइनली ये रूम भी हो गया है अच्छी तरह से क्लीन। आज यही करना है पूरे दिन, इसमें जाने वाला है पता है मुझे। अभी यहाँ पे भगवान का जो थाल है वो रेडी है। था जो मिले जो, हाँ जीजी वाला मम। हाँ
तो चलिए, बज चुके हैं 2:30 और अभी भी खाना खाना बाकी है, तो फटाफट से खाना खा लेते हैं और फिर बाद में मिलते हैं। तो दोपहर के 2:30 बजने के बाद हम लोग 4 बजे गए थे दीदी के लिए, जो केक का ऑर्डर किया था वो लेने के लिए। और फिर हमें थोड़ी सी रिटर्न गिफ्ट भी देनी थी बच्चों को, जो छोटे बच्चे आए थे पार्टी में उनके लिए, तो वो भी हमने ले ली है, वो भी हमने परचेज कर ली थी। और उसके बाद जो था वो धृति का बर्थडे सेलिब्रेशन हमने स्टार्ट किया था। तो वो जो धृति का बर्थडे का सेलिब्रेशन का पार्ट है, वो मैं पार्ट 2 करके आपके साथ शेयर करूँगी व्लॉग में। और ये जो है वो धृति के बर्थडे की प्रिपरेशन का जो पार्ट 1 है वो यही है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और एक हाँ, और एक चीज़, मेरे बीच में एक दिन गैप हो गया था, तो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस और कॉल भी आए थे कि आप लोगों ने व्लॉग क्यों नहीं डाला है। तो उसका रीज़न वही था कि मेरा वो जो व्लॉग है वो अभी भी मेरे पास रेडी पड़ा हुआ है, बट आई डोंट नो, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहा है, तो उसकी वजह से वो जो व्लॉग है वो मेरा अपडेट ही नहीं हो रहा है, अपलोड ही नहीं हो रहा है। पता नहीं क्यों वो नहीं हो रहा है। वो व्लॉग जो था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था, क्योंकि हम धृति के लिए जो बर्थडे की गिफ्ट लेने गए थे उसका भी शूटिंग मैंने उसी में किया था। और हाँ, जिग्नेश ने धृति की बर्थडे की गिफ्ट और मेरी जो बर्थडे की गिफ्ट थी, जो हमको हम दोनों को जो सरप्राइज़ मिला था, वो भी वही ब्लॉग में मैंने शूट किया था। तो वो भी उसमें शूटिंग है सब कुछ, बट पता नहीं वो टेक्निकल इशू की वजह से वो ब्लॉग अपलोड ही नहीं हो रहा है। तो मैं ट्राई करूँगी, अब अगर अपलोड होता है तो मैं बाद में भी रख दूँगी। तो इतना ज़्यादा आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हो, मेरे वीडियोस की वेट करते हो, वो मुझे मालूम नहीं था। तो इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के और ब्लेसिंग्स देने के लिए आप सबका दिल से बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू। एंड ऐसे ही बने रहिएगा मेरे साथ, और वीडियो अच्छी लगे तो मैंने जैसे पहले बोला लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अभी मैं बोल रही हूँ बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। ये ब्लॉग कमेंट यहीं एंड कर रही हूँ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।